हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जैसे आप लोग यूट्यूब पे देखते रहते वीडियोस, वैसे मैं भी बहुत सारे वीडियोस देखते रहता हूँ। तो एक वीडियो मैंने देखा जो था पनीर बनाने के बारे में, जिसके अंदर एक जो है यूट्यूबर है वो बता रहे थे पनीर कैसे बनाते हैं डेयरी वगैरह में। तो मैंने मुझे ये आइडिया आया कि पनीर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस आइटम है। फिर मैंने और थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि पनीर की काफ़ी डिमांड है। वेजिटेरियन शाकाहारी लोगों के लिए पनीर एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाने के लिए। अब जो पनीर है वो असल में बनता है दूध से, तो अगर आप पनीर का बिजनेस करना चाहते तो ये वीडियो पूरा देखना। तो पनीर जो है वो बनता है दूध से, और अप्रोक्सीमेटली अच्छे दूध का 6 लीटर दूध का 1 किलो पनीर बनता है। पनीर बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। पनीर लिया जाए, दूध लिया जाए 6 लीटर 1 किलो पनीर के लिए, उस दूध में 20% एक मिक्सचर मिलाना है आपको। पहले दूध को गर्म कर लेना है, गर्म करने के बाद में आप एक मिश्रण बनाइए। ये जो मिश्रण है ये पानी और विनेगर का होगा। आप पानी को गर्म कीजिए। अगर आप 6 लीटर दूध ले रहे तो 1 लीटर पानी या 1 लीटर से थोड़ा कम उस पानी को गर्म कीजिए। उस गर्म पानी के अंदर आप विनेगर डालिए, और विनेगर डालने के बाद, जिसको सिरका भी बोलते हैं, वो सिरका आप कितना डालेंगे, 1 लीटर में आप 100 ml डाल सकते हैं। तो आपको अगर 6 लीटर दूध है तो 1 लीटर मिश्रण बना रहे जिसमें 900 ml पानी है और 100 ml सिरका, और फिर उसको गर्म दूध में डाल के उसको अच्छे से हिला लेना है। अधिक जानकारी के लिए आप और भी वीडियोस है जिसमें बताया गया पनीर कैसे बनाते हैं वो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी की बात है उसमें ऐसा है कि पनीर जो है वो जब 6 लीटर दूध का 1 किलो पनीर बनता है तो आज की डेट में जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में वो 60 रुपीज लीटर दूध बिक रहा है, जो बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध है। तो ये जो बहुत अच्छी क्वालिटी का दूध है ये 60 रुपीज लीटर जो बिक रहा है, तो इस हिसाब से 6 लीटर का हो जाता है 360 रुपए। और आज की डेट पे पनीर मार्केट में 350 से 400 रुपए के बीच में बिक रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब आप सोचेंगे 360 रुपए का 6 लीटर तो दूध ही इस्तेमाल हो रहा है, प्लस उसमें विनेगर डालना है, प्लस उसको गर्म करना है, फिर ठंडा करना है, फिर पैकेट में डालना है, फ्रीज करना है, तो आप किस तरीके से पैसे कमाएंगे पनीर के बिजनेस में? तो दोस्तों, जो ये पनीर है इसके बिजनेस में आपको सफलता तभी मिल सकती है जब आपकी खुद की डेयरी है, या तो आप जो है वो बल्क में दूध लेते हैं। बल्क में दूध लेने का मतलब है हजारों लीटर। तो मेरी जानकारी के हिसाब से जो 60 रुपए लीटर दूध बिक रहा है डेयरी में, ये बल्क में 40 रुपए लीटर तक मिल जाता है। तो 4 6 24, मतलब सीधा सीधा 1 किलो पनीर का माल के लिए आपको 240 रुपए का दूध लग रहा है। तो सस्ते में पनीर बेचने का जो राज है वो यही है कि आपको अच्छी क्वालिटी का दूध सस्ते में मिले। दूसरी बात, आप हाई क्वांटिटी में पनीर बेचे तब आपको अच्छा प्रॉफिट होगा, क्योंकि आम जनता जो है वो 1/2 किलो या 1/2 किलो पनीर लेती है, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होगा। आप 10-15 किलो बेच दोगे दिन में, उसमें क्या आपको प्रॉफिट होने वाला है? लेकिन अगर आप रोज का 50 किलो पनीर बेचोगे अगर बड़ी होटल को, तो उसमें सच्ची में फायदा है। तो पनीर का बिजनेस एक काफी अच्छा बिजनेस है मेरे हिसाब से। आप इसको बना सकते हो एक छोटा सा यूनिट पनीर बनाने का, मावा बनाने का साथ में, और एक अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। जाने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप पनीर बनाने का बिजनेस या मावा बनाने का बिजनेस करना चाहते हो तो इसके लिए आपको जरूर लगेगा FSSAI रजिस्ट्रेशन, जिसको फूड लाइसेंस भी कहा जाता है। ये बनाना जो है वो बहुत जरूरी है आपको। अगर आपने नहीं बनाया तो आप इसके बिजनेस नहीं कर सकते। और FSSAI रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको चाहिए आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो, दुकान का नाम, दुकान का एड्रेस। इंस्पेक्शन के लिए कोई नहीं आता 99%। अधिक जानकारी के लिए, फूड लाइसेंस बनाने के लिए, FSSAI रजिस्ट्रेशन बनाने के लिए हमारे नीचे दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और हम आपकी मदद करेंगे लाइसेंस बना के देने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारा नंबर है 9029093494। सिर्फ क्लिक करोगे तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।